गाइज यार मार्केट के अंदर आपको 13,000 रुपए की प्राइस में बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। पर गाइज यार कंफ्यूजन भी दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाता है कि गाइज अपने लिए एक परफेक्ट फोन को यहाँ पर कैसे चुन सकते हैं। गाइज आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 13 से लेकर 13,500 के बजट में कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों यार यहाँ पर भी सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे कि गाइज किसी स्मार्टफोन यूजर्स को यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो गाइज यार किसी को यहाँ पर अच्छी कैमरा क्वालिटी, या फिर गाइज किसी को अच्छी बैटरी लाइफ ड्यूरेबिलिटी, या फिर दोस्तों यू कहे यार किसी स्मार्टफोन यूजर्स को यहाँ पर अच्छी खासी रैम स्टोरेज भी चाहिए होती है। दोस्तों इतना ही नहीं गाइज यार यहाँ पर कुछ ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स भी हैं जिन्हें दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक नॉन चार्ज स्मार्टफोन ही परचेस करना होता है। तो गाइज आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि दोस्तों आपको मिल जाएंगे 13,000 रुपए की रेंज में। तो गाइज अगर आपका बजट यहाँ पर 13,000 रुपए का है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो गाइज सर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। गाइस पहले बात करते हैं यहाँ पर उन स्मार्टफोन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों यार इस बजट के अंदर एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले चाहिए, लंबी बैटरी बैकअप, साथ ही गाइस डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ पे यहाँ पर डिसेंट कैमरास चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं गाइस सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M21। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन पहले यार 15,000 की प्राइस पर मिलता था, लेकिन दोस्तों अब ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 12,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। और गाइस आपको मिल जाएगी 4GB रैम और 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस फोन की गाइस तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक नॉर्मल देखने को मिलेगा, साथ ही गाइस बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ्रेम देखने को मिलेगी वो प्लास्टिक की है और बैक में भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इस फोन की। साथ ही गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले जहाँ पर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा और साथ ही गाइस यहां पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। गाइस अगर आप वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा वॉच करते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि गाइस यहां पर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही गाइस यहां पर आपको 6000 एमएएच तक की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है जहां पर दोस्तों आपको बैकअप भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की गाइस, तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। और गाइस अगर बात की जाए यहाँ पर इमेज क्वालिटी की दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की गाइस, तो यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है सैमसंग एक्सिनोस 9611 का, जो कि गाइस एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है अगर आप डेली टास्क के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं या फिर गाइस अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो दोस्तों तो आप इस फोन के अंदर वो भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो गाइस ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। सर इस फोन के अंदर आपको अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, अच्छी खासी बैटरी बैकअप है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर और काफी अच्छे कैमराज भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है और सैमसंग की तरफ से लेना है तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर उन स्मार्टफोन यूजर्स की जिन्हें तो यहाँ पर एक प्रीमियम फिनिशिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही गाइस एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर और इसी के साथ में दोस्तों अच्छी कैमरा क्वालिटी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं गाइस यार पोको की तरफ से पोको M2 प्रो। ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपको बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस फोन की गाइस तो यहाँ पर आपको मिलती है 4GB रैम 64GB की इनबिल्ट मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। गाइस आपको UFS 2.1 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। गाइस जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाएगा 13,000 रुपए की प्राइस पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी 6.67 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले। यहाँ पर गाइस आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही गाइस यहाँ पर भी आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फी की गाइस तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी आपको सेंटर पंच होल कटर के साथ में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। और गाइस जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको 5000 एमएएच की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए दोस्तों गेमिंग के लिए गाइस तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर जो कि गाइस यार 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मल्टीटास्किंग, हैवी वर्क और साथ ही दोस्तों यार स्मूथ गेमिंग में दोस्तों कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली।
गाइस यार इस फोन के अंदर आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर उन स्मार्टफोन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा डिजाइन चाहिए, साथ ही गाइस अच्छी कैमरा क्वालिटी, अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस और इसी के साथ में गाइस अच्छी खासी रैम और स्टोरेज चाहिए दोस्तों। तो गाइस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं गाइस रियलमी की तरफ से रियलमी 7। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पहले 15,000 रुपए की प्राइस पर मिलता था, लेकिन दोस्तों अब यही स्मार्टफोन गाइस आपको सिर्फ 13,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी 6 GB रैम, 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी, जहाँ पर गाइस आपको UFS 2.1 की स्टोरेज भी दी गई और साथ ही गाइस आप इसे एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। पर यहाँ पर इस फोन की दोस्तों यहाँ पर को डिजाइन और लुक दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है और साथ ही गाइस यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स गाइस। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले, जहाँ पर गाइस आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों यार गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें दोस्तों कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर कुछ 4 कैमरा सेंसर दिए गए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। इस बात करें बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी दी गई, जहाँ पर आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर भी आपको पावर पैक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक के लिए G95 का, जो कि गाइस 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यहाँ पर गाइस आपको बहुत अच्छी और स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको काफी अच्छी मल्टीटास्किंग और हैवी वर्क के लिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो यार इस फोन के अंदर आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। गाइस कैमरा क्वालिटी अच्छी है, साथ ही गाइस यहाँ पर आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, हाई रिफ्रेश रेट है और गाइस यहाँ पर आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है गाइस, तो आप यहाँ पर इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर उन स्मार्टफोन यूजर्स की जिन्हें तो यहाँ पर एक पॉलिश वर्जन, क्लियर स्टॉक, एंड्रॉइड का सपोर्ट चाहिए, साथ ही गाइस हाई रिफ्रेश रेट और एक जबरदस्त प्रोसेसर के साथ में अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी और लंबी बैटरी बैकअप चाहिए। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो मोटो की तरफ से मोटो G40 फ्यूजन, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ गाइस, और ये स्मार्टफोन आपको मिलता है सिर्फ 14,000 रुपए की प्राइस पर। गाइस अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर अप्लाई करते गाइस, तो ये स्मार्टफोन आपको और भी सस्ते में देखने को मिल जाएगा। पर गाइस आपको मिल जाएगी 4 GB रैम और 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज, लेकिन गाइस यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। मतलब वो गाइस कि यहां पर आप एक साथ में 2 सिम या फिर दोस्तों एक मेमोरी कार्ड और एक सिम को यहां पर एक साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं यहां पर इस फोन की दोस्तों, तो यहां पर भी आपको ठीक ठाक सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिया गया है। और अगर हम बात करें गाइस यहां पर इस फोन के मेन फीचर्स की, गाइस यहां पर आपको मिल जाती है 6.78 इंचेस की बड़ी फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले, जहां पर गाइस आपको 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी, जो कि गाइस इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही गाइस 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर पंचोल कटआउट के साथ में सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी बैकअप गाइस, तो यहाँ पर आपको 6000mAh का मैसिव बैटरा भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइस आपको 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, जो कि गाइस 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहाँ पर गाइस आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग में दोस्तों कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गाइस अगर आप एक गेमर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है गाइस, जहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई ब्लॉटवेयर ऐप या फिर एड्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों यार इस फोन का एक बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है। गाइस यार यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है, हाई रिफ्रेश रेट है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट भी दिया गया है। गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों यार इस फोन का एक डाउन साइड है। तो गाइस अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई डाउट है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।